सबसे मूल आधार ही मताधिकार है। बिना वोट किए हुए हम अपने अपने प्रतिनिधि को चुन नहीं पाते। यह जरूरी होता है कि जन जन में जागरूकता होनी चाहिए। यह अलग बात है कि इसमें कम से कम वोट देने का न्यूनतम सीमा होती है 18 वर्ष। आप 18 वर्ष है नहीं, लेकिन आप अपने घरों में, आप अपने परिवार में, आस पड़ोस में वोट देने के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि वह एक ऐसा अधिकार है। यदि हम आज उसका यदि उपयोग नहीं कर पाएंगे तो कल किसी भी जो चयनित सरकार होगी उसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं लगा। मेरा अधिकार है और एक परंपरा है भारत को लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। आपको पता होगा मतदाता जो जागरूकता दिवस मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता दिवस के नाम से यह फेमस है। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी जो क्या कहते हैं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है तो भागलपुर और बांका, भागलपुर प्रमंडल में दो जिले आते हैं और इसमें 26 अप्रैल का चुनाव डेट निर्धारित है। तो यह हमारी और आपकी प्लस जितने भी समाज के लोग हैं सबकी भागीदारी बनती है कि सबको एक एक आदमी को जागरूक करें, वोट देने जाना है। अब उसमें आपको किसको देना है नहीं देना है उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है या हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप लेकिन है कि घर से निकलकर मतदाता स्थान पे आप जाएं जहां पे वोटिंग होता है और वोट जरूर दीजिए क्योंकि वह आपका अपना अधिकार है। यदि हम अपने अधिकार के लिए आज रूम में पंखा नहीं चलती है तो आप हमें कहते हैं ना कि सर पंखा नहीं है, पंखा चलवा दीजिए। लाइट है वहाँ से मैन कर स्विच ऑन करवा दीजिए, नहीं तो कभी कभी पता भी नहीं चलता। यह हमारा अधिकार है और यह जरूरी है। तो यह आप लोग अपने अपने घरों में जाएंगे, अपने जो परिवार के लोग हैं और आस पड़ोस में ऐसे भी बाबा तो नहीं गलो जाओ वोट दे दीजिए, अभी पिछला साल नहीं गलो रहो हाथ पड़ी हमें तो कुल मिलाकर इससे क्या होता है कि गार्जियन को भी पता चलता है, हमारे बच्चे को भी पता है। और आज आप इस दौर में हैं जब कुछ दिन के बाद आपका भी उम्र हो जाएगा वोट देने का, आपका भी वोटर आई डी कार्ड बनेगा और आप भी जाइएगा पहला बार बनने कम से। ये एक तरह है लोकतंत्र की यह पहचान है मतदाता और मतदान। हमको यह समझाना है और वोट सबको दिलाना। धन्यवाद।